एवरी वॉन वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप लोग सो so, आज की वीडियो में मैं इस सूट का कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा और इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि इसका जो सलवार है वो जल्द ही मेरे चैनल पे आ जाएगा तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए तो चलिए वीडियो उसको शुरू करते हैं तो ये सूट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे दो मीटर फैब्रिक लिया है फैब्रिक का जो चौड़ाई वाला हिस्सा है उसका दोनों एंड्स को आपको इस तरह से पकड़ के और दो बार आपको फोल्ड कर लेना है तो दो बार फोल्ड करने के बाद ये हमारा फोर फैब्रिक हो जाएगा तो ये जो फोल्ड है वो हम अपने बर्स्ट के अकॉर्डिंग करते हैं तो मेरा जो बस्ट है वो है थर्टी सिक्स तो हम उसको फोर से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा नाइन इंच तो दो इंच हमने यहाँ पे मार्जिन के लिए ले लिया है तो नाइन प्लस टू हो जाएगा इलेवन इंच तो इस तरह से हम इलेवन इंच पे फोल्ड करके इस तरह से कटिंग कर लेंगे तो उसके बाद अब हम अपना सूट का लंबाई देख लेंगे तो आप जितना भी लंबाई लेना चाहते हैं अपना पटियाला सूट में आप उतना ही लंबाई रख लेना तो हमने यहाँ पर फोटी इंच का लंबाई लिया है और ये हमारा देख लीजिए ओपन वाला पार्ट है तो फोल्ड साइड से जो हमारा फोल्ड साइड है वहीं से अब हम अपने कंधे का मेज़रमेंट लगा लेंगे तो सिक्स इंच का हमारा शोल्डर हो जाएगा तो शोल्डर पे निशान लगाने के बाद अब हम अपने आर्म होल का निशान लगा लेंगे तो ऊपर से हम सिक्स इंच पे हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे उसके बाद शोल्डर का निशान और आर्म होल का निशान दोनों को आपको एक साथ मिला लेना है देन अब हम यहाँ पे अपने बस्ट का निशान लगाएंगे तो नाइन इंच पे हम इस तरह से निशान लगा के और दो इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे तो इलेवन इंच पे आपको निशान इस तरह से लगा लेना है ठीक है इसके बाद अब हम अपने साइड का निशान लगा लेंगे जहाँ पे हमारा बॉडी फिटिंग होता है तो आर्म होल का जो निशान है उसी के ऊपर हम इंची टेप को इस तरह से रख के और तेरह इंच पे हम निशान लगा लेंगे उसके बाद जो तेरह इंच का जो सेंटर आएगा यानी कि सिक्स एंड हाफ इंच वहाँ पे हम निशान लगा लेंगे सिक्स एंड हाफ़ इंच पे इस तरह से उसके बाद उसी निशान के ऊपर हम रख कर एक इंच का निशान लगा लेंगे निशान लगाने के बाद आपको सारे उसके बाद अब हम यहाँ पे आपको मेज़रमेंट दिखा देते हैं तो हमारा जो सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा टेन इंच का और जो हमारा वेस्ट है वो इलेवन इंच का है और ऊपर जो हमारा बस्ट है वो भी इलेवन इंच का है ठीक है सिर्फ सेंटर हमारा टेन इंच का आ जाएगा और आपका जितना भी बस्ट है उतना ही निशान आपको नीचे का साइड भी लगा देना है तो मेरा जो बस्ट है वो है इलेवन इंच का तो नीचे का साइड भी हम तीन जगह इस तरह से इलेवन इलेवन इंच का निशान लगा देंगे उसके बाद जो हमारा वेस्ट का जो निशान है वहीं पे आपको छोटा सा कट का कर निशान लगा देना है इस तरह से आपको छोटा सा कट लगा देना है बाद जो हमारा आर्म होल है सिक्स इंच का उसका मिडिल में हम निशान लगा देंगे तो थ्री इंच पे हम इस तरह से निशान लगा देंगे सेम हम नीचे के साइड भी थ्री इंच पर निशान लगाएंगे और उसके बाद जो हमारा कॉर्नर है वहाँ पर हम एक इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से और तीनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है राउंड शेप देते हुए इसके बाद अब हम अपने नेक का चौड़ाई को मेज़र कर लेंगे तो इसके लिए जो फोल्ड वाला पार्ट है उसके ऊपर आपको इंची टिप को रख कर और थ्री इंच पे आपको निशान लगा लेना है इस तरह से इसके बाद अब हम अपने नेक का लंबाई देख लेंगे तो फ्रंट वाला जो नेक है वो हमारा छोटा रहेगा बैक वाला नेक थोड़ा बड़ा रहेगा तो फ्रंट वाले नेक को ही हम सबसे पहले कट करेंगे बाद में हम बैक वाले नेक को थोड़ा डीप कर लेंगे तो हमारा जो फ्रंट नेक का लंबाई है वो सिक्स एंड हाफ इंच है और उसका जो चौड़ाई है वो थ्री इंच है तो इस तरह से थ्री इंच पे निशान लगा के और यहाँ पे सारे निशान को आपको इस तरह से मिला लेना है और नीचे का साइड हमने थोड़ा सा वी सेप दिया है इस तरह से तो आप नेक पे किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं शान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे उसके बाद जो हमारा स्लीव के तरफ जो शोल्डर है वहीं पे हम हाफ़ इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे और वो निशान को गले की तरफ से इस तरह से तिरछा कर लेंगे इस तरह से और कटिंग कर लेना है आपको उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का भी कटिंग कर लेंगे इस तरह से जितना भी हमने निशान लगाया है सारे निशान को हम कट कर लेंगे कटिंग हो जाने के बाद कोई भी हम एक पार्ट को ले लेंगे और उसके बाद अब हम आ, बैक वाले गले की कटिंग कर लेंगे तो बैक वाला जो गला रहेगा वो मेरा रहेगा साढ़े नौ इंच का तो नाइन एंड हाफ़ इंच पे निशान लगा के हम थ्री इंच का इस तरह से चौड़ाई दे देंगे उसके बाद चौड़ाई को पहले आपको इस तरह से स्क्वायर शेप दे देना है जो स्क्वायर शेप का कॉर्नर आएगा वहीं पे हम राउंड शेप इस तरह से देकर निशान लगाएंगे और उसको हम कट कर लेंगे तो ये हमारा जो बैक का जो गला है उसका कटिंग हो गया है अब हम अपने स्लीव का कटिंग करेंगे स्लीव को भी हम उसी तरह से फोल्ड करेंगे जिस तरह से हमने सूट को करा था तो ये हमारा दो फैब्रिक है दो फैब्रिक को इस तरह से दो बार फोल्ड कर लिया है और ये जो फ़ोल्ड है वो हम अपने आर्म होल के हिसाब से लगाते हैं तो आर्म होल आपका जितना भी है उससे आप दो इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ले लेना ठीक है तो हमने यहाँ पर साढ़े इंच पर निशान लगा लिया है अब हम यहाँ पे अपने स्लीव का लंबाई ले लेंगे तो 30 इंच का हमारा स्लीव का लंबाई आ जाएगा उसके बाद अब हम अपने रिस्ट का मेजरमेंट लगा लेंगे तो रिस्ट है मेरा 4 इंच का तो यहाँ पे हम एक इंच ही मार्जिन के लिए लेंगे तो 5 इंच पे हम निशान इस तरह से लगा लेंगे उसके बाद जो हमारा आर्म होल का खुला वाला फैब्रिक है वहीं से हम नीचे की तरफ तीन इंच का निशान लगाएंगे इस तरह से ठीक है उसके बाद तीन इंच का निशान लगाने के बाद जो हमारा दो इंच का मार्जिन है उसका हम निशान लगा लेंगे तो इस तरह से दो इंच पे हम निशान लगा लेंगे और उस निशान को आपको स्ट्रेट लाइन बना देना है और उसके बाद राउंड शेप देते हुए आपको आर्म होल की तरह ऊपर की तरफ आपको लेके जाना है इसके बाद आर्म होल और रिस्ट दोनों को आपको इंची टेप की हेल्प से इस तरह से तिरछा निशान लगा लेना है निशान लगाने के बाद हम इसका कटिंग कर लेंगे स्लीव का कटिंग हो जाने के बाद अब हम अपने स्लीव को अपने साइज के अकॉर्डिंग मेजरमेंट लगा लेंगे तो फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा कर लेंगे और रिस्ट के तरफ हम फोर इंच का निशान लगा लेंगे और मिडिल में हम फाइव इंच का इस तरह से निशान लगा लेंगे आर्म होल के नीचे साइड में हम दो इंच का निशान लगा लेंगे ये दो इंच हमें अभी नहीं सिलना है उसके बाद उसी के ऊपर हम सेवन इंच का निशान लगाएंगे और सारे निशान को हम एक साथ मिला लेंगे निशान लगाने के बाद हम सबसे पहले रिस्ट को रेडी कर लेंगे तो आप चाहे तो नॉर्मली रिस्ट को फोल्ड भी कर सकते हैं या फिर आप लेस भी ऐड कर सकते हैं तो हम यहाँ पे लेस ऐड करेंगे तो हमारा जो फैब्रिक है वो सीधा है और हाफ इंच फैब्रिक को छोड़कर उल्टे साइड से हम लेस को इस तरह से अटैच करेंगे उसके बाद स्टिच वाला पार्ट को फोल्ड करके उसके ऊपर ही हम इस तरह से सिलाई लगा देंगे इससे हमारा जो लेस है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाएगा ऊपर के साइड सिलने के बाद हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे उसके बाद जो हमारा मार्जिन था उसको हम एक बार फोल्ड करके उसके ऊपर ही सिलाई लगा देंगे इसके बाद जो हमारा लेस है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ गया है अब हम अपने स्लीव का फिटिंग कर लेंगे तो जो हमने मेजरमेंट लगाया था उसी पे हम इस तरह से डबल सिलाई देके अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे आर्म होल पे दो इंच छोड़ सिलाई लगाएंगे ताकि हम स्लीव को ज्वाइंट कर सके तो हमारा जो स्लीव है वो रेडी है, अब हम अपने गला पट्टी की कटिंग करेंगे तो हमने इस तरह से फैब्रिक को एक बार फोल्ड कर लिया है और ये हमारा जो है वो फ्रंट वाला पार्ट है तो फ्रंट वाले गले गला पट्टी की कटिंग करेंगे जो हमने फैब्रिक को फोल्ड किया है तो उसी पे हम अपने सूट को भी इस तरह से फोल्ड करके उसी के साइड जहाँ पे हमारा बंद वाला भाग है ठीक है तो वहीं पे हम सूट को भी इस तरह से रख के और साइड से भी आपको फ़ैब्रिक को रखना है और नीचे से भी आपको दो इंच फैब्रिक को एक्स्ट्रा रख लेना है इस तरह से तो देख लीजिए हमारा साइड से भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है और नीचे से भी फैब्रिक एक्स्ट्रा है उसके बाद हम यहाँ पे अपने गले का निशान लगा लेंगे तो जितना भी हमारा गला है उतना निशान लगाने के बाद दो दो इंच करके हम इसका मेज़रमेंट लगा लेंगे इस तरह से नीचे की तरफ और अच्छी तरह से निशान लगाने के बाद आप इसका कटिंग कर लें इसके बाद हमारा जो गला पट्टी है उसका कटिंग हो गया है तो इस तरह से अगर आप कटिंग करते हैं तो आपका गला पट्टी बिल्कुल इक्वली कटिंग होगा इसके बाद हम गले पट्टी को फ्रंट पार्ट के साथ जोड़ेंगे तो ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है वो सीधा है और गला पट्टी हम उल्टे के साइड रखेंगे और आपको सबसे पहले मिडिल में आपको पिन लगाना है इस तरह से रख के तो मिडिल में पिन लगाने के बाद आप दो तीन पिन साइड से लगा लें और दोनों तरफ इसी तरह से आपको पिन लगा लेना है पिन से सिक्योर करने के बाद हम गले पे सिलाई लगा देंगे तो इस तरह से आपको हाफ इंच थोड़ा सा छोड़कर और आपको गले पे सिलाई लगा देना है इस तरह से सिलाई लगाने के बाद जो हमारा इस तरह से गला हो जाएगा उसमें हम छोटे छोटे कट्स लगा देंगे और ये जो कट्स है वो सिलाई का आपको अंदर ही लगाना है बाहर आपको नहीं लेके जाना है और ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है इससे हमारा जो गला है वो बहुत अच्छी तरह से बैठ जाता है आ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो आपको चारों तरफ छोटा छोटा कट्स लगाना इसके है इसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसी के ऊपर हम गले पट्टी को इस तरह से रख कर और इसके ऊपर ही हम सिलाई लगा देंगे और इसे हम चाप सिलाई भी कहते हैं और इसी प्रोसेस के साथ हम बैक वाले पार्ट को भी रेडी कर लेंगे इसके बाद गले पट्टी को उल्टे के साइड फोल्ड करके आपको सुई धागे की हेल्प से आपको कच्चा सिलाई लगा देना है और ये जो सिलाई है वो हम लास्ट में इसको रिमूव कर देंगे लेकिन फ़िलहाल आपको लगा के इसे अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है इस तरह से पूरे गले में हमने कच्चा सिलाई को लगा लिया है इसके बाद हम फैब्रिक को उल्टा कर लेंगे और ये जो हमारा गला पट्टी है उसको हम इस तरह से फोल्ड करके और यहाँ पे भी हम कच्चा सिलाई लगा के और हेम कर देंगे जिसे हम तुरपाई भी कहते हैं वो हेम करने के बाद दोनों साइड का जो कच्चा सिलाई है उसको रिमूव कर देंगे उसके बाद हम गले पे लेस को अटैच करेंगे इस तरह से लेस लगाने के बाद हमारा जो गला है वो कुछ इस तरह से दिखेगा उसके बाद हम टू बाई थर्टी का दो फैब्रिक ले लेंगे आ, बैक साइड का डोरी बनाने के लिए तो ये जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से आ, उल्टे के साइड रख के और इस पर सिलाई लगा देंगे आप अपने अकॉर्डिंग डोरी का लंबाई रख सकते हैं जितना आप रखना चाहते हैं डोरी को सिलने के बाद हमने यहाँ पे फ्लिप कर लिया है उसके बाद हमने फ्रंट वाले पार्ट की तरह बैक वाले को भी गला पट्टी को अटैच करके इस पर चाप सिलाई लगा लिया है इस तरह से चाप सिलाई लगाने के बाद पट्टी का जो सिलाई है उसी के ऊपर आपको इंची टेप को रख के और तीन इंच का आपको निशान लगा लेना है और ये जो निशान है इसमें हम डोरी को अटैच करेंगे तो दोनों साइड से आपको तीन तीन इंच का निशान लगा देना है इस तरह से इसी निशान का जो सिलाई है उसको आपको हाफ इंच खोल देना है इस तरह से तो दोनों साइड से आपको हाफ हाफ इंच करके खोलना है इतना ओपन करना है ताकि हमारा जो डोरी है वो इसमें इंसर्ट हो सके तो हमने फैब्रिक को दोनों साइड से ओपन कर लिया है उसके बाद हम डोरी को लेकर ओपन वाला जो पार्ट है उसी के अंदर इस तरह से इंसर्ट करके और इसके ऊपर से हम सिलाई लगा देंगे और सिलाई हमें गलापट्टी के ऊपर ही लगाना है तो दो तीन बार अच्छी तरह से सिलाई लगा के आपको इसे सिक्योर कर लेना है और इसी तरह से आपको दोनों साइड का डोरी को अटैच कर लेना है दोनों तरफ से डोरी को अटैच करने के बाद जो हमारा गला पट्टी है उसको हम उल्टा साइड करके कच्चा सिलाई लगा लेंगे और अगर आप इस तरह से डोरी को अटैच करते हैं तो आपका जो डोरी का मार्जिन है वो अंदर की तरफ चल जाएगा तो इससे जो हमारा फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा आएगा सेम उसी तरह से दोनों साइड से कच्चा सिलाई लगाने के बाद आपको नीचे का साइड हेम कर देना है गले पर तो बैक साइड डोरी अटैच करने के बाद अब हम दोनों फैब्रिक को एक साथ ज्वाइंट कर देंगे तो इसके लिए हमारा जो फ्रंट वाला पार्ट है उसको हम ऊपर के साइड सीधा रख लेंगे उसके ऊपर हम बैक वाले साइड को उल्टा की तरफ रख के और और दो पिन आपको शोल्डर के ऊपर आपको लगा लेना है इस तरह से और साइड में भी आपको दो पिन से अच्छी तरह से सिक्योर कर लेना है लगाकर हम बॉडी मेजरमेंट लगा लेंगे तो मेरा जो बस्ट है वो है थर्टी सिक्स इंच का उसको हम टू से डिवाइड करेंगे क्योंकि ये टू फैब्रिक है तो आ जाएगा 18 इंच तो 18 इंच पे निशान लगा लेंगे इसके बाद मिडिल में हम साढ़े पंद्रह इंच का निशान लगा लेंगे और दोनों साइड का जो मार्जिन है वो आपको इक्वल रखना है तो थ्री थ्री इंच का हमारा दोनों साइड है ऊपर का साइड भी हमारा टू टू इंच का मार्जिन है उसके बाद यहाँ पर मेरा जो वेस्ट है उसको भी हम मेज़र कर लेंगे तो यहाँ पर हमने एटीन इंच पर निशान लगा दिया इस तरह से उसके बाद सारे निशान को आपको एक साथ मिला लेना है अच्छी तरह से और ऊपर के साइड आपको दो इंच छोड़कर इस तरह से निशान लगाना है दो इंच तक हम अभी सिलाई नहीं लगाएंगे जब हम स्लीव को ज्वाइंट करेंगे तब इसको सिलाई दे देंगे ठीक है तो इस तरह से आपको दो इंच छोड़ कर और दोनों साइड से आपको सिलाई लगा देना है और हाफ इंच आप कंधे को भी सिल दें तो यहाँ पर मैं आपको कंधे को सिल के दिखा देती हूँ कि ये जो हमारा गला पट्टी है इसको हम थोड़ा सा खोल देंगे इस तरह से उसके बाद एक तरफ का जो गला पट्टी है उसी को खोलकर और एक तरफ को आपको बाहर इस तरह से गले पट्टी को निकाल लेना है इस तरह से और दोनों जो हमारा कंधा है उसको इक्वली रख के यहाँ पे हम दो सिलाई देके अच्छी तरह से इसे सिक्योर कर लेंगे कंधे को सिलने के बाद ये जो हमने गले पट्टी को बाहर रखा था इसको आपको फोल्ड कर लेना है और कंधे का जो मार्जिन है उसको आपको कवर करके इस तरह से पिन से सिक्योर कर देना है और ये वाला पार्ट को आप हेम कर दें अच्छी तरह से तो सेम प्रोसेस के साथ आपको सेकेंड शोल्डर भी ज्वाइंट कर लेना है इससे जो हमारा फिनिशिंग है वो बहुत अच्छा निकल के आएगा तो शोल्डर और साइड दोनों सिलने के बाद अब हम सूट का जो नीचे साइड है उसको हम फोल्ड करके और लेस ऐड करेंगे जिस तरह से हमने स्लीव पे लगाया था उसी तरह से इस पे भी लगा लेंगे हमने यहाँ पे लेस को अटैच कर लिया है इस तरह से अब हम यहाँ पे जो हमारा वेस्ट है वेस्ट का जो सिलाई है उसका बाहर में हम एक इंच का निशान लगा देंगे इस तरह से सेम निशान हम इस साइड भी लगा देंगे एक इंच का तो एक एक इंच का दोनों साइड से आपको निशान लगा लेना है उसके बाद ये जितना भी निशान है उसको हम मेज़र लगा लेंगे तो इस तरह से हम इंची टेप को रख के और जहाँ पे हमने निशान लगाया है दोनों को आपको मेजर कर लेना है तो ये हो गया है ट्वेंटी इंच इस तरह से उसके बाद हम नीचे के साइड भी निशान लगा लेंगे तो हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे तो यहाँ पे हमने ट्वेंटी एंड हाफ इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से और दोनों निशान को आपको एक साथ मिला लेना है इस निशान और ऊपर का निशान दोनों को आपको एक साथ मिला लेना है और दोनों मिलाने के बाद आपको इसका कटिंग कर देना है के पास आपको बाहर की तरफ इस तरह से स्ट्रेट आपको कटिंग कर देना है उसके बाद जो हमारा मार्जिन है उसको हम थोड़ा सा कट करके इक्वल कर लेंगे इस तरह से सेम आपको दोनों साइड इसी तरह से कटिंग कर लेना है तो यहाँ पे हमने बॉडी फिटिंग का स्टिच लगाया था ये चीज आपको नहीं दिख रहा होगा इसलिए मैं यहाँ पे निशान लगा के दिखा देती हूँ इसके बाद जो हमारा साइड का जो फैब्रिक है इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और फोल्ड करके आपको सिलाई दे देना है दोनों साइड से आपको इसी तरह से फोल्ड करके सिलाई दे देना है इस तरह से का साइड सिलने के बाद अब हम स्लीव को स्लीव uh, का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम कट कर लेंगे तो उसके लिए आपको स्लीव को इस तरह से रख लेना है जिस तरह से हम सूट में अटैच करते हैं उसके बाद ऊपर का जो पार्ट है उसको हम छोटा छोटा कट का निशान लगा देंगे दोनों तरफ का दोनों स्लीव में उसके बाद जो स्लीव का जो सेंटर है उसके ऊपर हम एक इंच का निशान लगा देंगे और एक इंच का निशान लगाने के बाद आपको उसी निशान को ऊपर की तरफ इस तरह से मिला देना है और उसी निशान को आपको नीचे के साइड इस तरह से मिला देना है तो आपको सिर्फ बीच का पार्ट को कट कर लेना है और ऊपर नीचे का आपको तिरछा लेकर जाना है इस तरह से दोनों स्लीव में हम इसी तरह से निशान लगा के इसका कटिंग कर लेंगे और कटिंग जो है वो आपको सिर्फ फ्रंट पार्ट पे करना है इस तरह से बैक वालों को आपको कटिंग नहीं करना है और सेम कट हम सूट में भी लगा लेंगे तो उसके लिए हम जो सूट का आर्म होल है उसका सेंटर में हम एक इंच का निशान लगाएंगे और उसी एक इंच को इस तरह से ऊपर और नीचे मिला देना है इस तरह से दूसरे साइड भी हम इसी तरह से एक इंच पर निशान लगा लेंगे और दोनों तरफ इसको मिला लेना है और ये जो कट है ये सिर्फ फ्रंट पार्ट पे होता है बैक वाले का कटिंग नहीं होता है तो आप बैक वाले को छोड़ के फ्रंट का कटिंग कर दें इस तरह से इसके बाद हम स्लीव को जॉइंट कर लेंगे तो ये जो फ्रंट का जो कट है वो फ्रंट वाले के ऊपर ही इस तरह से जॉइंट होगा सेम आपको दूसरा स्लीव को भी इस तरह से जो स्लीव का हमने कट किया है फ्रंट पार्ट पे तो इस तरह से आपको रख देना है और ये जो ऊपर का जो कट है वो शोल्डर का जो सिलाई है उसके ऊपर आपको रख के और यहीं पे आपको पिन से सिक्योर कर देना है और यहीं से हम सिलाई देना शुरू करेंगे इस तरह से तो जहाँ पे हमने पिन लगाया था वहीं से आपको सिलाई देना शुरू करना है ये पूरा सिलाई हो जाने के बाद हम फैब्रिक को इस तरह से पलट लेंगे और उसके बाद हम स्लीव और आर्म होल दोनों को इस तरह से पकड़ के उल्टे साइड से आपको सिलाई दे देना है पूरे में और ये सिलाई हो जाने के बाद इसे डबल सिलाई देके अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे अब हम स्लीव को उल्टा कर लेंगे उसके बाद जो हमने स्लीव और सूट दोनों में जो दो दो इंच गैप छोड़ा था उसको हमें मिला लेना है इस तरह से इसे भी हम डबल सिलाई देके अच्छी तरह से सिक्योर कर लेंगे और इसी तरह से आपको दोनों स्लीव को जॉइंट कर लेना है इसके बाद अब हम यहाँ पे लटकन को बना लेंगे इसके लिए हमने फोर बाई फोर फेब्रिक ले लिया है तो इसका चौड़ाई भी फोर है लंबाई भी फोर है और चारों कॉर्नर्स को कट करके सर्कल बना लेंगे इसी तरह से हमने पेस्टिंग पेपर को भी कट कर लिया है इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर में इस तरह से निशान लगा के उसको स्ट्रेट कट कर लेंगे इसके बाद जो पेस्टिंग पेपर है उसको हम नीचे रख लेंगे उसके ऊपर से मेन फैब्रिक को उल्टा की तरफ रख लेना है और ये जो राउंड शेप है इसी पे आपको सिलाई लगा देना है तो यहाँ पे हमने सिलाई को लगा दिया है अब इस सिलाई के अंदर ही आपको छोटा छोटा कट्स लगा के इसको इस तरह से सीधा कर लेना है ठीक है बाद हम इसमें लेस अटैच करेंगे तो जो हमारा राउंड शेप है उसी पे आपको लेस को अटैच करना है इस तरह से तो लेस लगने के बाद ये कुछ इस तरह से दिखेगा इसी तरह से हमने यहाँ पे दस फैब्रिक को बना लिया है हम इन सभी लटकन को डोरी के साथ अटैच करेंगे तो इसके लिए हमारा जो लटकन है आ, उसका मेन फैब्रिक ऊपर की तरफ रहेगा और राउंड शेप देख लीजिए इस तरफ रहेगा उसके बाद आपको फैब्रिक को फोल्ड करके यहाँ पे आपको डबल सिलाई देकर अच्छी तरह से फैब्रिक को लॉक कर लेना है इस तरह से और अच्छी तरह से सिलाई देने के बाद आपको इसको सीधा कर लेना है और इसी तरह से आपको सारे लटकन को जॉइंट कर लेना है सारे लटकन जॉइंट होने के बाद हमारा जो सूट है वो बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है और इसका जो सेकंड पार्ट है यानी कि इसका जो पटियाला है उसका वीडियो जल्द ही मेरे चैनल पे आ जाएगा तब तक के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा